अगर आपके एलोवेरा के पास में भी इस टाइप के छोटे छोटे बच्चे पैदा हो गए हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये 1, 2, 3, 4, तो इनका क्या करना है? तो इनको पहले तो ये जब भी बारिश का सीजन आए तो ये नॉर्मल होता है, ये उग जाते हैं पेड़ के पास में। तो क्या करना है, इनको उखाड़ देना है। उखाड़ के ये हमारी नए सैम्पलिंग में यानी कि नए एलोवेरा के पौधे बन जाते हैं। और ये अगर इनको हम नहीं उखाड़ेंगे तो इसको हेल्थ में ये डिस्टर्ब करेंगे, अच्छा इनको ग्रो नहीं होने देगा। तो अभी हम इसको उखाड़ेंगे। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि इसको जो न्यूट्रिशन मिलना है चाहिए अच्छा वाला, वो हमारे एलोवेरा को मिलता रहेगा। देखिए आप, इस टाइप से ये उखड़ जाएगा। तो अब इसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं इजीली। अभी हम दूसरा निकालेंगे, तो इसको भी इसी तरह से आराम से निकाल लेंगे। तो ये क्या है, जो भी इसका न्यूट्रिशन रहता है इस पेड़ का, ये सब इसको खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एलोवेरा है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती। तो धीरे धीरे आराम से निकालना है बिना इसकी ओरिजिनल की रूट डिस्टर्ब किए। तीन हमारी नए एलोवेरा हमारे रेडी हो गए हैं, इनको हम लगाएंगे। अभी देखिए एक और ही है, ये इसको भी हम निकाल लेंगे। तो बरसात के सीज़न में एक एलोवेरा से हम इस तरह से कई सारे एलोवेरा अपने बना सकते हैं। तीन, एक, चार, चार हमारे एक एलोवेरा से चार एलोवेरा बन गए हैं। अभी हम इनको क्या करेंगे, इनको दूसरी जगह प्लांट कर देंगे। दूसरी जगह प्लांट करने के लिए कुछ नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको ऐसे गड्ढे किए और नॉर्मल हम इसको ऐसे लगा देंगे और ये हमारे नए एलोवेरा तैयार हो जाएंगे। थोड़े दिन के बाद इसके अंदर रूट्स अच्छी तरह हो जाएंगी और हम इस तरह से जैसे हमारे चार निकले हैं तो चार एलोवेरा हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा ठीक ठाक दूरी पे लगाने हैं ताकि इसमें जो ग्रोथ हो तो अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस मिल जाए। अगर गमले में लगा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, गमले आप अलग अलग रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एलोवेरा से काफ़ी सारे एलोवेरा ले सकते हैं। और अगर ये उग रहे हैं आपके उसके पास से तो इसको पास से उखाड़ देने हैं, अगर आपके यूज़ के नहीं है तो ये करना है इनके बच्चों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।